बिल्कुल नहीं आ रहा है साउंड। अभी भी नहीं आ रहा है? अभी भी साउंड नहीं है क्या? ओ जस्ट गिव मी अ सेकेंड, व्हाट इज द इशू, लेट मी चेक। अब ठीक है साउंड? आ गया। ओके ओके ओके, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। डन, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने देखा, ये वो अवस्था जब आपके दोस्त या फिर आपका जो भी ग्रुप जिनसे आप प्रभावित हो, जिनसे भी आप प्रभावित हो, वो आप पे प्रभाव डाल रहे हैं। प्रभावित हो तो उन पे उनका प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे कि कई बार आप देखते थे छोटे पे दोस्त बोल देते थे कि बंक करते हैं, चलो बंक करते हैं, तो आप पे प्रेशर था कि यार अगर मैं मना करूंगा तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि यार अभी भी तक आप डर रहे हो या आप में हिम्मत ही नहीं है। तो इस तरीके से जब आपको ये मन में ये भावना है कि मुझे जज कर लिया जाएगा किसी बेसिस पे, तो आप वो काम कर रहे हो, आप उनसे प्रभावित हो गए, आप भी उनके साथ वो काम करने लग गए। यही चलते चलते आगे चार लोगों में खड़े होकर लोग कहते हैं एक सिगरेट का कश मारने से कुछ नहीं होता, एक बार ड्रिंक करने से कुछ नहीं होता, तो यही चीज जो है इम्पैक्ट डालने लगती है। अच्छा, अब मैंने सारे बैड एग्जाम्पल दिए हैं, बट हमेशा ऐसा बैड हो ये जरूरी नहीं है। कई बार कुछ अच्छी चीजें भी आप पीयर से सीखते हैं। कई बार पीयर्स ऐसा नहीं है कि बेकार चीजें सिखा रही है। हम देख रहे हैं हमारे जो साथ के लोग हैं वो अपने से बड़ों को कितनी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कितने अच्छे हैं, वो अपने फेस्टिवल या कल्चर से कितने हद तक जुड़े हुए हैं, वो पढ़ाई को लेके कितने सिंसियर हैं, कितना सही टाइम टेबल बना के सारी चीजें अरेंज करके पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी आप सीख सकते हो। तो बात ये नहीं है कि समाजीकरण अच्छा बुरा किसी भी अवस्था में हो सकता है। अब कोई किसी चोर वगैरह के घर में रह के अगर बला बढ़ रहा है बच्चा, तो बच्चे की तो गलती नहीं है ना, उसको तो समाजीकरण ही ऐसा हुआ है कि वो आगे जाके वही काम करेगा। समझ में आ रही है बात? तो वो तो गड़बड़ किसी भी स्टेज में हो सकती है, अच्छाई बुराई की उसकी बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? अगले पे बढ़े, अगले टाइप पे बढ़े, फोर्थ पे। तीन क्लियर हुए हैं, इसे एक बार बताइए, तो आगे पे बढ़ते हैं। जस्ट लेट मी नो यस और नो, क्लियर है या नहीं। क्लियर है तो आगे फोर्थ पार्ट पे भी बढ़ते हैं। यस, यहां तक समझ में आ गई? ये तीन जो हमने देखे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और आपका किशोरावस्था वाला पॉइंट। ओके, देखिए इसके अलावा एक और देखो, तो ये सीक्वेंस में मत मानो अभी, तो सीक्वेंस में तो मैं आपको स्टेजेस चरण बताऊंगी। इसके अलावा अगर कोई कह रहा है किशोर समाजीकरण, एडल्ट सोशलाइजेशन, तो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हमेशा चलेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, लाइफ की हर चरण में हर स्टेज में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, हर चरण में आप सीख रहे हो, एवरी स्टेज इज टीचिंग अस। आप किसी नई संस्था को ज्वाइन करते हो, आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, आप किसी नई जगह पे शिफ्ट हो गए हो, तो हर जगह पे हर नए लोगों के मिलने से, हर तरीके के नए वातावरण की वजह से आप लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। तो वो हमारा किशोर समाजीकरण, अडल्ट समाजीकरण, जो लंबे समय तक चलता ही रहेगा। इसके अलावा एक और प्रकार हम समाजीकरण के साथ यूज करते हैं, जो है रीसोशलाइजेशन, जो है रीसोशलाइजेशन। अब ये क्या वर्ड है? इसका मतलब है पुनः समाजीकरण। जब री वर्ड आ जाता है तो री का मतलब क्या हो जाता है? पुनः, मतलब दोबारा से। तो दोबारा से का क्या मतलब है? दोबारा से का मतलब ये है कि एक बार आपका समाजीकरण हो चुका है, आपको जो सीखना था वो आपको सिखाया जा चुका है, योर समाजीकरण इज डन। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने जो पीछे सीखा हुआ है आप उसको अंडू कर रहे हो, उसको हटा रहे हो और कुछ नया सीख रहे हो। जैसे मुझे मेरे धर्म में कुछ गलत चीजें सिखा रखी थी फॉर एग्जाम्पल, अब मैं उन सबको हटा के कोई नई चीज अडॉप्ट कर रही हूँ,
कोई नई चीज अडॉप्ट कर रही हूँ। बहुत से लोग देखते हो आर्य समाजी भी बन जाते हैं जब उन्हें लगने लगता है कि यार ये चीज ठीक नहीं है, ये मैं इस चीज को फॉलो नहीं कर सकता। बहुत से लोग मांसाहारी से शाकाहारी भी बन जाते हैं। तो कुछ सीखी हुई चीजों को अंडू करके आप कुछ नया सीखते हो। जैसे कि हमें सिखाया गया था कि लव मैरिज बहुत बड़ी बेकार बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम पढ़े हमने सीखा ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में बताया गया कि भैया मुर्गा मांस मच्छी देखना तक पाप है, लेकिन बड़े हुए तो देखा कोई हमारे सामने अगर खा रहा है तो हमने दूसरे की भी रिस्पेक्ट रखी कि भैया ठीक है हम नहीं खाएंगे, हमारी चॉइस है, लेकिन इफ समवन इज लाइक कोई अगर वो काम कर रहा है तो हम उसको घृणा की नजरों से नहीं देखेंगे। ऊंची नीची जाति का कंसेप्ट जो हमें बताया गया था कि भैया उसको टच नहीं करना, उसके घर का पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो हम बड़े पढ़े सीखा तो हमें समझ में आई चीजें, तो हमने वो पुरानी चीजें अंडू करके अगला सीखना स्टार्ट किया। तो यही चीज होता है पुनः समाजीकरण, पुराना सीखा पीछे छोड़कर नया सीखना। जो भी आपने पहले सीखा हुआ है उसको आप छोड़कर नया सीख रहे हो, मतलब अंडू द पास्ट नॉलेज, पिछला जो भी ज्ञान, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास है, एंड गेटिंग द न्यू वन। पुराना आपने सब दिमाग से निकाला, फेंक दिया और अब आप कुछ नई चीज सीख रहे हो। क्लियर? ये भी क्लियर है तो आप बताइए, देन मैं आगे बढ़ती हूं। यहां तक क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, एक बार यहां तक बताइए सब लोग जो भी अभी हैं प्रेजेंट यहाँ पे स्टूडेंट। ये कुछ प्रकार या आयाम हम समाजीकरण के पढ़ रहे हैं, आप लोग देखोगे कि प्रकार नहीं, मतलब ये एग्जैक्ट टाइप नहीं है सारे, टाइप प्लस आयाम दोनों चीजें हैं कि समाजीकरण किस किस से लिंक है। तो हम उसका जो कंसेप्ट है, जो समाजीकरण की अवधारणा है, उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक देख रहे हैं। किसी को स्पीड में समझने में किसी तरीके का कोई डाउट क्लासेस में नहीं तो नहीं आ रहा है, ये भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा भी कुछ है तो उसको टाइम के साथ ठीक करके चला जाएगा। बताइए, कुछ भी स्पीड को लेके लग रहा हो, मेथड को लेके लग रहा हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो किसी के साथ नहीं आ रही है किसी भी तरीके की। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइव लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, बैच नया होता है ना, तब क्या होता है कि अब बच्चे डाउट पूछ रहे होते हैं, क्वेरी होती है, टाइमिंग की सेटिंग नहीं होती है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती हैं कि कैसे क्या एक फिक्स कर दें, फिर हर बच्चे को अपने अपने इश्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा समझने में टीचर को भी टाइम लगता है कि कैसे क्या सेटिंग करी जाए, इसलिए थोड़ा टाइम लिया जाता है कि एक बार थोड़ा सा अरेंज वे में चीज़ें हो जाएं, फिर अपने अकॉर्डिंगली करना स्टार्ट कर देंगे चीज़ों को, है ना। एक क्वेश्चन है कि क्या सारे यूनिट एग्जाम टाइम तक कवर हो जाएंगे, इतने सारे सिलेबस हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, अभी जितनी हमारी क्लासेस हुई है ना उसमें हम लोगों के 250 से ज्यादा यूनिट कवर हो चुकी है, और बल्कि अब ज्यादा ही मानो, क्योंकि एक यूनिट, एक क्वेश्चन, एक टॉपिक जो एक जगह पे है ना, वो आगे आने वाली 2-3 जगह पे यूज हो रहा है। और आप अभी, मतलब आपको ये समझ नहीं आएगा, बट मैं थोड़ा क्लेवरली पढ़ा रही हूँ कि मैं पहले ऐसे टॉपिक करा रही हूँ जो आगे टॉपिक में भी यूज होने हैं, तो ये टॉपिक पहले करा दूंगी तो जो आने वाले टॉपिक है वो बहुत आसानी से और जल्दी कवर हो पाएंगे, और यही टॉपिक है जो थोड़े विस्तार वाले हैं। ओके, थोड़ा और बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे फिर छोटा दिखता है तो ये प्रॉब्लम तो लाइक डुएबल है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस ज्यादा है, नो डाउट, एग्जाम का, अभी आप लोगों को लग रहा है कि एग्जाम में टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो ये देखो आपको एफर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लासेस के साथ साथ जितना हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आप एज अ स्टूडेंट ये नहीं बोल पाओगे, मैं भी ये नहीं कह सकती कि मैं आपको 4 महीने में पूरी सोशियोलॉजी पढ़ा दूंगी। ये सिलेबस के साथ हम बिल्कुल जस्टिफाई करेंगे, सिलेबस पे तो हम स्टिक रहेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि बच्चा कभी नहीं बोल पाता है कि मेरी तैयारी पक्की है ना, वो डाउट रहता है, हमेशा स्कोप रहता है कि यार कुछ छूट गया, नहीं याद हो रही है चीजें। आप देख रहे हो कितने थिंकर्स हैं, कितने नाम है, अभी मुझे मेटन भी आपको पढ़ाना है, पीए सोरोकिन भी पढ़ाना है, जबकि हम 5 थिंकर्स कर चुके हैं, जो बड़ी बात है, 5 मेजर थिंकर जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप वो कर चुके हो, तो लाइक आप उसको पक्का कर लो, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत बड़ी बात है वो करना। परिवार परिवार के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और विवाह विवाह के प्रकार पढ़ लिए हैं,
भारत में किस तरीके से उदय हुआ वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं समाजशास्त्र का, राइट? और हमने पढ़ लिया कि समाजशास्त्र को जो समझने के परिप्रेक्ष्य होते हैं ना वो कितने हैं। देखिए अभी तो हमारे पास 1.5 महीना तो आराम से आप मान के चलो अंजू, बाकी तो कुछ गारंटी नहीं है। देखो ये तो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं एग्ज़ाम कब हो सकता है, हम प्रिडिक्ट कर ले डिले भी हो जाते हैं, एग्ज़ाम डिले भी चल रहे हैं, हमारे हिसाब से तो ज़्यादा चीज़ें चल ही नहीं रही हैं, राइट? बट हाँ क्लासेस अब ज़्यादा थोड़ी लगाएंगे, कुछ लाइव ज़्यादा लगाएंगे और रिकॉर्डेड भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। MCQ तो आपका फिक्स ही है जो चल रहा है ना? देखो पूजा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टाइमिंग करवाऊंगी तो आप लोगों को इजी नहीं होगा, आप लोगों को मुश्किल होगा, क्योंकि आप अपना सिलेबस अगर एक बार देखेंगे तो आप देखेंगे जो पहले की यूनिट्स में चीज़ें लिखी है ना वो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इन सब टॉपिक को समझाए बिना आपको समझा नहीं सकती हूँ। अब वहाँ पे सामाजिक समूह आ गया तो मैं कैसे समझाऊंगी आपको ये वाला समूह और वो वाला समूह, फिर मैं उस क्लास में सामाजिक समूह समझाऊं तो वो क्लास का टाइमिंग ही, समूह पढ़ाने में मुझे 1 घंटा लग गया अभी, है ना? आप समझ पा रहे हो? तो मेरे को अभी 5-10 क्लासेस का टाइम और दो, मैं आपको इतने टॉपिक पढ़ा दूंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ सिलेबस लेके आऊंगी कि ये सिलेबस देखो आपका रहा, हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, तो थोड़ा सा आप में क्या आएगा, एक मोटिवेशन आएगा। अभी ना मैं तरीका इसलिए ये फॉलो कर रही हूँ क्योंकि आपको आसानी हो, आप चाहोगे ना कि मैं सिलेबस में पहला ये पॉइंट फिर दूसरा ये पॉइंट तीसरा ये पॉइंट कवर कराऊँ तो फंस जाएंगे हम लोग। आप लोग खुद सिलेबस देखना एक बार, बाकी मैं भी बता दूंगी कि क्यों ये चीज़ें नहीं कर रही हूँ, यही रीज़न है कि 1-to-1 पॉइंट से मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना? वरना बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, आप लोगों को ऐसा लगेगा यार मिक्स हो गया सब कुछ, फिर ये लगेगा मैम बकवास करके जा रही है, समझ हमें कुछ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को समझाना आसान हो जाए, आप लोगों को समझने में मजा आए और अच्छा लगे, दैट्स वाई ये पैटर्न मैं फॉलो कर रही हूँ। बस 5-7 क्लासेस और दीजिए, सब अरेंज हो जाएगा आपके माइंड में। टॉपिक समझो और टिक करो, समूह पढ़ लिया, परिवार पढ़ लिया, विवाह पढ़ लिया, हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ लिया, कार्ल मार्क्स पढ़ लिया, डर्किन पढ़ लिया, मैक्स वेबर पढ़ लिया, एक और थिंकर भी पढ़ा है हमने, हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ा है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिली डर्किन, अगस्त कॉम्प पढ़ लिया था, अगस्त कॉम्प पढ़ लिया है हमने, है ना? ऐसे टिक करो, जो जो पढ़ते जा रहे हो उसको लिखते जाओ एक पेज पे कि ये टॉपिक मैम ने पढ़ा दिया, फिर बात करेंगे आगे थोड़ा बहुत और, है ना? चलिए अब एक और आप लिखिए, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अच्छा इसकी कोई एक बार मुझे हिंदी देख के बताओ अभी, क्योंकि मैं तो ट्रांसलेशन वाला पार्ट ऑन नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगी। एंटीसिपेटरी की हिंदी मुझे ट्रांसलेशन से देख के बताओ, या किसी को पता है तो बताओ एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट हिंदी चाहिए ना इसकी, एक बार जल्दी से कोई देख के बता दो एंटीसिपेटरी, फिर मैं समझा देती हूँ क्या होता है, एक बार आप लोग देख के बता दो इसकी हिंदी। यस एक बार कोई भी स्टूडेंट बस देख के एंटीसिपेटरी की हिंदी बता दीजिए तो मैं इसको लिखती हूँ। चलो तब तक समझा देती हूँ, टाइम नहीं लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो एक्सपेक्टेड बिहेवियर, उम्मीद की जा रही है आपसे, उम्मीद के अनुसार व्यवहार को सीखना। अब आप एक क्लासरूम में बैठे हो तो आपसे माना जाएगा ना कि डिसिप्लिन से बैठो, सुनो अटेंटिवली, रिप्लाई करो अटेंटिवली। ये थोड़ी कि आप बैठे क्लासरूम में हो और तारे जमी पर मूवी के शांत अवस्थी की तरह आप क्लास से बाहर देख रहे हो और आप कह रहे हो कि ट्रीज डांस कर रहे हैं, लेटर डांस कर रहे हैं, न्यायालय, एंटीसिपेटरी बेल भी मिलती है, हाँ तो न्यायालय से ही होती है वो, हाँ तो ठीक है न्यायालय समाजीकरण देख लेते हैं। अब जैसे कि हम इंडिया के सिटीजन हैं तो एक पैटर्न है ना, ड्यूटी भी तो है हमें जो फुलफिल करके चलनी है। ये थोड़ी आए दिन इंडिया के अगेंस्ट बयान दें, इंडिया को गालियां खरी खोटी सुनाएं, इंडिया के अगेंस्ट एक टीम रेडी करने लग जाएं, वो भी नहीं फिट बैठेगी चीज़ें। तो एक उम्मीद की जाती है, जैसे मम्मी छोटे पे सिखा के लेके जाती हैं कि किसी के घर जाना है तो बिल्कुल भी जाके नहीं कि नमकीन और बिस्किट रख के और जाके झपट पड़े उठाने के लिए, जैसा बताया है बिल्कुल वैसे ही रहना है, जब तक कोई ना बोले तो ही लेना है, मतलब तब तक लेना नहीं है, बोलने पे लेना है और एक ही बिस्किट उठाना है, ये नहीं कि ऐसे भर लो सारे एक साथ हाथ में, सब सिखा के ले जाया जाता है, है ना? तो वही चीज़ है कि आपको एक बिहेवियर, व्यवहार बता दिया जाता है कि आपको ऐसे ही एक्ट करना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग क्या करते हो, एक्ट करते हो। क्लियर? यस। अगला आता है जेंडर।
लिंग समाजीकरण, जेंडर सोशलाइजेशन, लिंग समाजीकरण। इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको ये बता दिया जाता है कि आप इस लिंग से बिलोंग करते हो और आपको उसके अकॉर्डिंग आपके रोल्स बता दिए जाते हैं। इसे नहीं, अच्छा आजकल तो नहीं होता डिफरेंशिएशन, बट काफी जगह आज भी है कि लड़की हो तो आपको किचन प्रत्याशित, ठीक है, प्रत्याशित भी कोई बोल रहा है, प्रत्याशित भी लिख लो इसमें, चलो प्रत्याशित समाजीकरण, ज्यादा एप्ट वर्ड यही लग रहा है, प्रत्याशित समाजीकरण, ठीक है। तो आपको ये बोला जाता है कि आपको, आप गर्ल हो तो आप थोड़ा किचन में ध्यान दो, बॉय हो तो आप बाहर के सामान खरीद के लाके दो, पैसे लेके जाओ, दूध खत्म हो गई, बिस्किट खत्म हो गया तो लड़कों को बोला जाता है, कोई आया है तो चाय पकड़ाओ तो लड़की पकड़ाएगी। तो ऐसे मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपको समझ में आए, छोटी बड़ी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लोग खुद बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने फील भी करी होंगी, वो सोसाइटी में आज भी कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हैं, ऑल्दो काफ़ी हद तक खत्म हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। लिंग समाजीकरण होता है जब लिंग के आधार पर आपके रोल्स जो होते हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं कि ये इस लिंग का पर्सन है तो वो ये काम करेगा, इस लिंग का है तो वो ये काम।